महाविकास अगारी आगे बढ़ो। माइक सरकार की तरह टेढ़ा हो रहा है। ठीक है, सीधा कर दिया जाएगा। मेरी आवाज जहां तक पहुंच रही है, नागपुर के इस महान भूमि, दीक्षा भूमि के आप तमाम आदरणीय बुजुर्गों का, हमारी माताओं बहनों का, नौजवान साथियों का, इस शहर के एक एक वासिंदे का, चाहे वो दुकानदारी करते हों, खेती करते हों, बिजनेस करते हों, नौकरी करते हों, मेहनत मजदूरी करते हों, अपने खून पसीने की कमाई से अपने परिवार का भरण पोषण करने वाले आप तमाम आवाम का क्रांतिकारी अभिनंदन करता हूं, आपको जय भीम कहता हूं। बगल से एक साथी कह रहे थे, कन्हैया जी नारा लगा दीजिए। मुझे बहुत थोड़ी सी मराठी आती है, मला मराठी एत नहीं, पर मुझे दो तीन स्लोगन जरूर आता है। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकरांचा, छत्रपति शिवाजी महाराजांचा, क्रांति ज्योति ज्योतिबा फुलेंचा, बस इतनी ही मराठी आती है। साथियों, हाँ, आप अपना जोश थोड़ा 20 तारीख तक बचा के रखिए। सबसे पहले तो सचमुच मैं ये कहने के लिए नहीं कह रहा हूं, जब भी मैं नागपुर आता हूं मेरे लिए ये बहुत ही आनंद की बात है, बहुत सुखद अनुभूति है, क्योंकि मेरे मन में जो नागपुर का छाप है, जो स्मृति है नागपुर का, वो स्मृति पूरे देश और दुनिया में जो नागपुर की छवि बनाई जा रही है उससे अलग है। अक्सर लोग कहते हैं कि नागपुर में आरएसएस का मुख्यालय है, तो मैं उनकी बात को काट करके कहता हूं कि आरएसएस का मुख्यालय नहीं, नागपुर में दरअसल दीक्षा भूमि है, नागपुर संघ भूमि नहीं दीक्षा भूमि है। और यह कितनी खुशनसीबी की बात है कि आप सब लोग उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के मतदाता हैं, जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी में, अब मैं इसको पकड़ के रखता हूं, ठीक है, इसको अब ना हम पकड़ के रखेंगे, नहीं तो पता चला जैसे शिवसेना टूट करके जो है भाजपा में चली गई, राष्ट्रवादी टूट करके भाजपा में चली गई, इसको पकड़ के रखा जाएगा। सचमुच ये बहुत खुशनसीबी की बात है कि आप लोग उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के वोटर हैं, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के मतदाता हैं, जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी में दीक्षा भूमि है। ये अपने आप में बड़ी खुशनसीबी की बात है। और हमसे पहले तमाम स्पीकर ने, सबने संविधान को बचाने पे जोर दिया, सबने डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को याद किया, सबने इस देश में जो ऊंच नीच और भेदभाव वाली व्यवस्था है उसके खिलाफ समतामूलक समाज की वकालत की, तो वो समता मूलक सिद्धांत हमारे देश के जिस ग्रंथ में है, वो ग्रंथ हमारा संविधान है, और उस संविधान के रचयिता डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की यह भूमि है, तो यह आपके लिए सबसे गर्व की बात है, यह आपके लिए सबसे आनंद की बात है। यह गर्व की बात है, इसका मतलब यह है कि यह जिम्मेवारी की भी बात है। और मैं आपको धन्यवाद कहना चाहता हूं, तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि 400 का नारा लगा करके जब खुल्लम खुल्ला भाजपा के नेता ये कहने लगे कि हम संविधान बदलेंगे, जब भाजपा के नेता खुल्लम खुल्ला जंतर मंतर पर देश की राजधानी दिल्ली में संविधान की कॉपियां जलाने लगे, तब विदर्भ के लोगों ने, वो विदर्भ की मिट्टी जहां पे संत महात्मा पैदा हुए, वो विदर्भ की मिट्टी वर्धा में जहां महात्मा गांधी की कर्म भूमि है, जहां पर आश्रम है, सेवाग्राम है, जहां पर वो विदर्भ की मिट्टी जहां राष्ट्र संत तुकरे जी महाराज पैदा हुए हैं, वो विदर्भ की मिट्टी
जहां से एक आंदोलनकारी और क्रांतिकारी पैदा हुए हैं, उस विदर्भ की मिट्टी के लोगों ने 400 के उस गुब्बारे को पंक्चर करने का काम किया है और संविधान के पक्ष में संविधान को बचाने के लिए एक शानदार मैंडेट विदर्भ के लोगों ने दिया है। ये जिम्मेवारी अभी समाप्त नहीं हो जाती है, इस जिम्मेवारी को हम लोगों को यह समझना पड़ेगा कि यह जिम्मेवारी अभी समाप्त नहीं हुई है, इस जिम्मेवारी को हम लोगों को अंतिम मुकाम तक पहुंचाना है। और वह मुकाम क्या है? वह मुकाम यह है साथियों कि कोई बात नहीं है, कोई नहीं तो चुनाव आयोग से ले लेंगे, वो भी रिकॉर्ड कर दी है। ये पक्का? क्या पता, आजकल जो है, आजकल सियासत में चीजें गिरती रहती हैं। मैं ये कह रहा था कि वो जो जिम्मेवारी है वो अभी 50% ही पूरा हुआ है, 50% उस जिम्मेवारी को और पूरा करने की जरूरत है। और जरूरत इसलिए है कि पूरा देश महाराष्ट्र की तरफ देख रहा है, पूरा देश उम्मीद भरी नजरों से महाराष्ट्र की तरफ देख रहा है कि महाराष्ट्र के लोग आने वाली 20 तारीख को क्या फैसला लेते हैं। क्या महाराष्ट्र के लोग महाराष्ट्र के मतदाताओं के साथ जो गद्दारी की गई, उनके चुने हुए आमदार को खरीदा गया, चुनी हुई सरकार को पलटी गई, रात को, आधी रात को, 12 बजे रात को बैठ करके महाराष्ट्र में सरकार बनाने की मीटिंग की गई, जिस मीटिंग में अदानी स्वयं मौजूद थे, यह जो महाराष्ट्र के साथ छल कपट हुआ है, महाराष्ट्र के साथ जो यह धोखाधड़ी हुई है, महाराष्ट्र के लोगों के साथ जो उनके नुमाइंदे हैं, जो उनके प्रतिनिधि हैं, उन्होंने जो गद्दारी की है, क्या महाराष्ट्र के लोग उस गद्दारी का हिसाब लेंगे कि नहीं लेंगे, यह देश की जनता आपकी तरफ देख रही है और इसका फैसला आपको 20 तारीख को करना है। और मेरा यह मानना है कि इस देश में जब जब अंधकार फैलता है, इस देश में जब जब अन्याय फैलता है, इस देश में जब जब नफरत फैलता है, तो इस देश को, इस राष्ट्र को महाराष्ट्र के लोगों ने रोशनी दिखाने का काम किया है, रास्ता दिखाने का काम किया है। और आप यह बात बखूबी जानते हैं कि आज हमारे साथ हमारे देश में हो क्या रहा है। आप लोगों ने एक न्यूज सुना होगा, गुजरात में एक नकली जज, ध्यान से सुनिएगा, गुजरात में यह हो सकता है, गुजरात में एक नकली जज एक नकली कोर्ट लगा करके फैसले सुना रहा था। गुजरात में एक आदमी नकली टोल प्लाजा लगा करके नकली टोल टैक्स वसूल रहा था। गुजरात का एक आदमी पीएमओ का अधिकारी बन करके, यहां पर सिपाही लोग खड़े हुए हैं, दरोगा जी खड़े हैं, अगली बार कोई कहे कि हम पीएमओ का अधिकारी हूं, उसका आई कार्ड जरूर चेक कीजिएगा, क्योंकि आजकल बहुत सारे नकली पीएमओ के अधिकारी घूम रहे हैं। पीएमओ का नकली अधिकारी बन करके पूरा देश में बॉडीगार्ड लेकर के घूम लिया, गुजरात के अंदर नकली ईडी का अफसर बन करके असली ईडी का रेड मार करके लोगों से घूस वसूल रहा था। यह सब हमारे पड़ोसी राज्य में हो रहा था। और मेरा यह मानना है कि यह जो पड़ोसी राज्य में हो रहा था उसका असर महाराष्ट्र में भी दिखना शुरू हुआ है, उसका असर ऐसे महाराष्ट्र में दिखना शुरू हुआ है। और यह सवाल मैं आप लोगों से भी पूछ रहा हूं कि अगर बीजेपी को डिप्टी सीएम ही बनना था, अगर फडणवीस साहब को चीफ मिनिस्टर नहीं बनना था, डिप्टी सीएम ही बनना था, तो उद्धव ठाकरे जी के सरकार में डिप्टी सीएम बनने में क्या दिक्कत थी? मेरी बात समझ रहे हैं? अगर चीफ मिनिस्टर शिवसेना को ही देना था, चीफ मिनिस्टर बीजेपी को नहीं लेनी थी, तो फिर शिवसेना तोड़ा क्यों?
बाला साहब ठाकरे की पार्टी तोड़ी क्यों? अगर एनसीपी बीजेपी के नजर में एक भ्रष्टाचारी पार्टी है तो उसी एनसीपी को तोड़ करके अपनी सरकार में शामिल क्यों कराया और अजीत पवार साहब और फडणवीस जी दोनों को शिंदे जी के नीचे उप मुख्यमंत्री बनाया, ऐसा क्यों किया गया है? ऐसा इसलिए किया गया है कि शिंदे जी मुख्यमंत्री नहीं है, शिंदे जी एक बेईमान गुजराती व्यापारी के चौकीदार हैं। और चीफ मिनिस्टर बनने से ज्यादा भाजपा की नजर एक कठपुतली चीफ मिनिस्टर बना करके महाराष्ट्र के संसाधनों पर उसकी गिद्ध नजर है। वो फडणवीस जी को मुख्यमंत्री बनाने से ज्यादा धारावी अदानी जी को देने में इंटरेस्टेड है। बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बनाने से ज्यादा उसकी नजर नासिक पर है, पुणे पर है, नागपुर पर है, नवी मुंबई पर है, चाहे महाराष्ट्र का उत्तरी इलाका हो, उत्तर महाराष्ट्र हो, या समुद्री इलाका हो, कोंकण का इलाका हो, चाहे मराठवाड़ा हो या विदर्भा हो, वो यहां की संपत्ति लूट करके अपने दोस्त के तिजोरी को भरना चाहता है। इसीलिए पहला सवाल तो यह है कि इस बार 20 तारीख को जब आप चुनाव देने के लिए जाएं, आप वोट देने के लिए जाएं, तो आपको गद्दारों से हिसाब करना है। दूसरी चुनौती वो है कि वो यहां के संसाधन लूट करके अपने दोस्त के खजाने में पहुंचाना चाहते हैं, तो आपको अपना भविष्य, अपने बच्चों का भविष्य और अपने आने वाली पीढ़ी के सपनों को बचाना है। यह आप जिम्मेवारी आपको लेना पड़ेगा। हमको पता चला कि डिप्टी सीएम साहब यहीं से चुनाव लड़ रहे हैं। हे दीक्षा भूमि के मतदाताओं, आपके सामने जबरदस्त मौका है। जैसे अमेठी में कांग्रेस पार्टी का एक साधारण कार्यकर्ता एक बड़बोले मंत्री को धूल चटा दिया, आज आपके सामने मौका है कि एक ऐसा कार्यकर्ता जो सिर्फ चुनाव में नहीं, आपके सुख दुख में, आपके परिवार की हंसी खुशी में, आपके परिवार के गम में, चाहे आपका हॉस्पिटल की समस्या हो, चाहे आपकी पढ़ाई लिखाई की समस्या हो, दिन रात आपके बीच खड़ा रहने वाला कांग्रेस पार्टी का एक जिम्मेदार जमीनी कार्यकर्ता उप मुख्यमंत्री के सामने चुनाव लड़ रहा है। और उसका नतीजा देखिए कि उप मुख्यमंत्री साहब साल भर अपने दोस्तों को शुगर फैक्ट्री बांटते रहते थे, और अभी जब चुनाव आया है तो मतदाताओं को मिठाई का डब्बा बांट रहे हैं। कमाल बात है, अपने दोस्त को बांट रहे हैं पोर्ट, अपने दोस्त को बांट रहे हैं एयरपोर्ट, अपने दोस्त को दे रहे हैं कोयले की खदान, अपने दोस्त को दे रहे हैं बिजली की फैक्ट्री, अपने दोस्त को दे रहे हैं शुगर की फैक्ट्री, और हमको दे रहे हैं मिठाई का डब्बा। क्या कमाल बात है, क्या कमाल बात है। उनको क्या लगता है? उनको लगता है कि मिठाई का डब्बा दे करके नागपुर के जो स्वाभिमानी लोग हैं उनका ईमान खरीद लेंगे? उनको क्या लगता है कि जो दौलत वो पानी की तरफ बहा रहे हैं उस पानी की दौलत से वो लोगों के आंखों का पानी सुखा देंगे? उनको क्या लगता है कि धन बल के सामने वो जनबल को हरा देंगे? मैं कहता हूं, हे नागपुर के मतदाताओं, आपके सामने ये चुनौती है। धनबल का मुकाबला आपको जनबल से करना पड़ेगा और इतिहास बनाने का मौका है। लोकसभा चुनाव के दौरान जब खासदार का चुनाव हो रहा था, दिन भर टीवी पर अमेठी की चर्चा हो रही थी, आप प्रफुल्ल गुर्दे साहब को, प्रफुल्ल गुर्दे पाटिल को जिता करके दिखाइए। 23 तारीख को पूरे दिन नागपुर की चर्चा होगी, मैं ये आपसे वादा करना चाहता हूं। कई बार जब किसी को यह घमंड हो जाए, कई बार सत्ता को जब किसी बात का अहंकार हो जाए, तब उसको आंख दिखाना बहुत जरूरी होता है। कई बार अगर किसी नेता को यह लगने लगे कि वो नेता अपनी बदौलत है, तो जनता को उसकी औकात दिखाना बहुत जरूरी हो जाता है। इसीलिए हे जनता, हे मतदाता, हमारे सामने ये जिम्मेवारी है। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने एक संविधान लिखा, और उस संविधान की ताकत क्या है? उस संविधान की ताकत यह है
कि एसपी का वोट भी एक, क्या मैडम गलत बोल रहे हैं, सिपाही का वोट भी एक, मुख्यमंत्री का वोट भी एक, और चपरासी का वोट भी एक, महिला का वोट भी एक और पुरुष का वोट भी एक, महल में रहने वाले का भी वोट एक और झोपड़ी में रहने वाले का भी वोट एक होता है। ये संविधान की ताकत होती है। और इस संविधान की ताकत को कुछ लोग जो सत्ता में बैठे हुए हैं वो नजरअंदाज कर देना चाहते हैं। उनको लगता है चंदा दो धंधा लो स्कीम के तहत वो अपना सूटकेस भर करके लोगों का ईमान खरीद लेंगे। साहब, आप आमदार खरीद सकते हैं, आप खासदार खरीद सकते हैं, लेकिन आप इस देश के नागरिक को नहीं खरीद सकते हैं, आप महाराष्ट्र नहीं खरीद सकते हैं। इसीलिए मैं आप सबसे ये आग्रह करने के लिए आया हूं। मुझे लगता है कि महाराष्ट्र की तरफ पूरा देश एक बदलाव की उम्मीद से देख रहा है। बोलिए, आप बदलाव चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? आप परिवर्तन चाहते हैं ना? ये जो बदलाव की उम्मीद है, उस बदलाव की उम्मीद की दीपक को, उसकी रोशनी को आगे बढ़ाने के लिए जरूरी है कि आज हमारे वक्त में जो साजिश की जा रही है उसको भी जरा गौर से समझा जाए। अभी कुछ दिन पहले मैं भाषण सुन रहा था डिप्टी सीएम साहब का। डिप्टी सीएम साहब ने कहा कि यह धर्म युद्ध है। ठीक बात है, लोकतंत्र को बचाना भी इस देश का नागरिक होने के चलते हमारा धर्म है। जिस लोकतंत्र के चलते, जिस संविधान के चलते आज मैं यहां खड़ा होकर के भाषण दे रहा हूं, उसकी रक्षा करना हमारा धर्म है। अगर यह धर्म युद्ध है और धर्म को बचाने का सवाल है, जो भी नेता आपके सामने धर्म बचाने का भाषण देता है उससे बस एक बात पूछना है, एक्सक्यूज मी सर, आप धर्म बचाना चाहते हैं, एक मिनट आपका चाहिए, बस ये बता दीजिए कि धर्म बचाने की इस लड़ाई में आपका बेटा बेटी भी हमारे साथ चलेगा ना? समझे बात को? कि ऐसा तो नहीं होगा कि धर्म बचाने की जिम्मेवारी हमारी और ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज में पढ़ने की जिम्मेवारी आपके बाल बच्चों की। अगर धर्म बचाना है तो सब मिलकर के बचाएंगे। ऐसा तो नहीं होगा ना कि हम लोग धर्म बचाएंगे और जो है डिप्टी सीएम साहब की पत्नी जो है वो इंस्टाग्राम पे रील बनाएंगी। ऐसा तो नहीं होगा ना, सब लोग मिलकर धर्म बचाएंगे। यही बात मैंने भाजपा के एक दोस्त को कहा। हमने कहा कि दोस्त, धर्म बचाना है तो चलो नेताओं के बच्चे भी धर्म बचाएंगे। तो भाजपा का वो जो हमारा दोस्त था वो बोला, लेकिन योगी जी और मोदी जी को बेटा बेटी नहीं है। हमने कहा भतीजा है ना, बेटा बेटी नहीं है, भतीजा है ना। जैसा चलेगा ना हमारे साथ धर्म बचाने के लिए? होशियारी कर रहे हो सर, होशियारी अब हम समझने लगे हैं। होशियारी हम इसलिए समझने लगे हैं कि डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा, ऑर्गेनाइज एजुकेट, ऑर्गेनाइज एजिटेट, संगठित हो, शिक्षित हो, संघर्ष करो। हमने आपका नमक खाया है, आपके टैक्स के पैसे से हमने पढ़ाई की है, आंख फोड़ करके हमने पीएचडी की है, तो अब हमको ये सियासत समझ में आती है, ये खेल समझ में आता है। यह खेल समझ में आता है कि उनका बेटा बीसीसीआई में आईपीएल में टीम बना रहा है और हमको कहता है कि ड्रीम इलेवन पर टीम बनाइए। बताइए, क्रिकेटर बनाने का सपना दिखा करके जुआरी बनाना शुरू कर दिया है। अब हमको समझ में आने लगा है कि इस देश के अंदर चल क्या रहा है। चल ये रहा है कि बहुत आसानी से, हम भावुक लोग हैं, हम भारत के लोग हैं, हमारी दिल में भावनाएं होती हैं, हमारी भावनाओं को भड़का करके, हमारी भावनाओं का गलत इस्तेमाल करके हमसे हमारा हक और अधिकार छीना जाता है, हमारे बच्चों का भविष्य खत्म करके अपने बच्चों का भविष्य बनाया जाता है। इसीलिए मैं आपसे कुछ मोटा मोटा सवाल पूछता हूं। कहते हैं कि देश की अर्थव्यवस्था दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। बजाइए ताली, खुशी की बात है। लेकिन जरा प्रश्न कीजिएगा कि देश की दुनिया की अर्थव्यवस्था है तीसरी सबसे बड़ी, तो वो 80 करोड़ लोग कौन हैं जो 5 किलो अनाज लेने के लिए लाइनों में लगे हुए हैं? समझे बात को?
अगर तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है तो ये 80 करोड़ गरीब लोग कौन हैं जिसके बारे में सरकार अपना सीना खुद ही फुला रही है? इसका मतलब देशवासियों का विकास नहीं हो रहा है, इसका मतलब देश के लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, इसका मतलब देश के नाम पर अपने दोस्त की तिजोरी भरी जा रही है। मुझे बिजनेस से कोई दिक्कत नहीं है, खूब बिजनेस कीजिए, दिन दोगुना रात चौगुना बिजनेस कीजिए, लेकिन इस सवाल का जवाब दीजिए कि जितना नागरिक इस देश का अरबपति है उतना ही नागरिक इस देश का वो इंसान है जो आज भी नाली में उतर करके हमारा कचरा साफ करता है, हमारी गंदगी साफ करता है। और प्रधानमंत्री कहते हैं कि ये आध्यात्मिक सुख है, चलिए ना हम भी तो आपके साथ मिल करके ये आध्यात्मिक सुख लेना चाहते हैं। अब मंदिर जाने का क्या है, हम और प्रधानमंत्री जो दोनों मिलकर के नाली में उतरेंगे, कचरा निकालेंगे और आध्यात्मिक सुख लेंगे, क्या बात करते हैं सर। दुनिया चांद पे चली गई और अभी तक आप जो है नाली के गैस से चाय बना रहे हैं, क्या कमाल करते हैं। मैं आपसे कहता हूं ये साजिश हम लोगों को समझना पड़ेगा, हमको समझना पड़ेगा कि क्यों कांग्रेस को बार बार बदनाम किया गया। कांग्रेस को इसलिए बार बार बदनाम किया गया कि मैं ज्यादा इतिहास में नहीं जा रहा हूं, मैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के जमाने में नहीं जा रहा हूं, मैं 10 साल पहले की बात आपको याद दिला रहा हूं। बताइए 10 साल पहले एलपीजी का सिलेंडर कितने में मिलता था? 400। अब कितने का मिल रहा है? 10 साल पहले पेट्रोल कितने का मिल रहा था, अब कितने का मिल रहा है? तो महंगाई बढ़ी है कि घटी है? महंगाई बढ़ गई, बेरोजगारी बढ़ गई। 45 साल में देश के इतिहास में आज तक इतनी बेरोजगारी नहीं थी, एक बार भी भाजपा के किसी भी मंत्री या नेता के मुंह से रोजगार की बात नहीं निकलती है। अपना बच्चा ऑक्सफोर्ड में पढ़ रहा है, कैम्ब्रिज में पढ़ रहा है, इंस्टाग्राम पे बहुत बढ़िया रील बना रहा है, तो हमारे बच्चों को रोजगार मिले नहीं मिले उनको क्या फर्क पड़ता है। इसीलिए आज हमारे सामने अपना आत्मसम्मान बचाने का सवाल है, अपना रोजी रोटी कपड़ा मकान बचाने का सवाल है। और जब आप 20 तारीख को वोट देने के लिए जाएं तो यह बात अपने दिमाग में रख करके जाएं। एक बार मैं प्रधानमंत्री का भाषण सुन रहा था, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि वोट देने के लिए जाइएगा तो एलपीजी सिलेंडर को पांव छू करके जाइएगा, प्रणाम करके जाइएगा। मैं कहता हूं कि इस बार भी जब जाइएगा 20 तारीख को वोट देने के लिए तो एलपीजी सिलेंडर को भी प्रणाम कर लीजिएगा और अपना स्मार्ट मीटर को भी प्रणाम कर लीजिएगा। जरा लोगों को बेवकूफ बनाने का देखिए कितना स्मार्ट तरीका है। कह रहे हैं कि जितना रिचार्ज कीजिएगा उतनी ही बिजली जलेगी, सही बात है। तो आपको तो हमने रिचार्ज नहीं किया था कि आप 5 साल के लिए सरकार बनाएंगे, लेकिन आप जो है विधायक खरीद बेच करके अपना सरकार बना लिए और अपना सरकार बना करके हमारा बिजली बिल बढ़ा दिए, हमारा दवाई का दाम बढ़ा दिए, हमारा दाल तेल का दाम बढ़ा दिए, और किसान जो हैं वो जो पैदा कर रहे हैं उनको उनका उचित दाम नहीं दे रहे हैं। जो धान 3,000 रुपये प्रति क्विंटल मिलता था इस बार जो है 2,200 रुपये प्रति क्विंटल बिका है। जो सोयाबीन 4,000 रुपये प्रति क्विंटल बिक रहा था इस बार 2,700 रुपये जो है प्रति क्विंटल बिका है। तो किसान को उनके फसल का दाम नहीं मिलेगा, इस देश के नौजवानों को काम नहीं मिलेगा, महिलाओं को आत्मसम्मान नहीं मिलेगा। आप मुझे बताइए कितने शर्म की बात है, जिस महाराष्ट्र की धरती से ये नारा निकला, मुलगी सिकली प्रगति झाली, यही कहते हैं ना, मुलगी सिकली प्रगति झाली। रोज अखबार उठा करके देख लीजिए, कोई ऐसा दिन नहीं है जब महाराष्ट्र की किसी बहू बेटी के साथ किसी ना किसी इलाके में कोई अत्याचार नहीं हो रहा हो, कोई अपराध नहीं हो रहा हो, जघन्य बलात्कार की घटनाएं हुई हैं। यह सब सवाल आज हमारे सामने है। इसीलिए मैं आप लोगों को सिखाने की औकात नहीं है हमारी, आपको बताने की औकात नहीं है हमारी, लेकिन जिस हिम्मत से हम लोग संघर्ष कर रहे हैं और इस देश को बेहतर बनाने का जो हमारा सपना है, हम उसमें आपका आशीर्वाद चाहते हैं, आपका साथ चाहते हैं। हम चाहते हैं कि आप पीठ ठोक करके ताली बजा करके हमारा हौसला बुलंद कीजिए। हमने इनकी जेलों को देख लिया है, हम इनके सामने झुकने वाले नहीं हैं। अपने आत्मसम्मान के लिए हम संघर्ष करेंगे, यह लड़ाई जारी रखेंगे। और हमारी लड़ाई अन्याय के खिलाफ न्याय की लड़ाई है, हमारी लड़ाई
उन तमाम गारंटियों को लागू करने की लड़ाई है जिससे देश आगे बढ़ेगा। देश कैसे आगे बढ़ेगा? आधी आबादी को जब तक हम सशक्त नहीं करेंगे तब तक देश आगे नहीं बढ़ेगा। इसीलिए जो महाविकास अघाड़ी की गारंटी है, उस गारंटी में हम महिलाओं के खाते में 3,000 रुपया पहुंचाने की बात कर रहे हैं। उस गारंटी में हम उनके लिए फ्री बस सेवा की बात कर रहे हैं। और जो नौजवान हैं वो तमाम रिक्त पदों को भरेंगे, और रिक्त पदों के भरने के बाद भी जो नौजवान बेरोजगार रह जाएंगे उनको 4,000 रुपया बेरोजगारी भत्ता देंगे। यह संकल्प लेकर के हम आपके बीच में आए हैं, और हम चाहते हैं कि एक बेहतर समाज बने। इसके लिए डेटा का होना जरूरी है, और जब हम गिनती करने की बात करते हैं तो कहते हैं कि हम समाज को बांट रहे हैं। अरे प्रधानमंत्री जी, अभी यहीं बगल में कौन सा जगह है? नहीं नहीं नहीं, ओबीसी समाज को भाजपा का एक नेता गाली दे रहा था वनी में। बनी में भाजपा के नेता जो है वो जिस ओबीसी समाज को गाली दे रहे थे, कुत्ता कह रहे थे। और प्रधानमंत्री, जब हम कहते हैं कि गिनती कीजिए, हम क्यों गिनती करना चाहते हैं? मेरी माताएं बैठी हुई हैं, आप बताइए, घर में अगर 4 लोग हैं तो 4 लोग का ही खाना बनाते हैं ना। 2 लोग अगर रिश्तेदार के पास चला गया है तो फिर 2 लोगों का खाना बनाते हैं। देश में अगर हमको कोई नीति बनानी है, देश में अगर हमको कोई न्याय का सिद्धांत लागू करना है, तो उसके लिए गिनती करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? देश में लोगों की क्या हालत है उसको जानने में क्या दिक्कत है? लेकिन ये गिनती नहीं होने देना चाहते हैं। ये गिनती इसलिए नहीं होने देना चाहते हैं ताकि देश को पता ना चल जाए कि देश की संपदा पे वो मुट्ठी भर लोग कौन है जो नाक की तरह कुंडली जमा करके बैठे हुए हैं। या देश को पता ना चल जाए इसलिए गिनती करने का विरोध करते हैं। हम गिनती करना चाहते हैं ताकि देश को एकजुट रख सकें। मान लीजिए यह माइक बार बार गिर रहा था ना, क्यों गिर रहा था? यह माइक बार बार इसलिए गिर रहा था क्योंकि इसमें बैलेंस नहीं था। समाज में अगर अमीर अमीर होगा, गरीब गरीब होगा, एक तरफ लोग जो है अरबों खरबों रुपया उनके खाते में होगा, और दूसरी तरफ मिनिमम बैलेंस नहीं रखने के चलते जिनका बैलेंस लगातार सेविंग अकाउंट में घट जाएगा, इससे देश की तरक्की नहीं हो सकती है। अगर हम देश की तरक्की चाहते हैं तो हमको देशवासियों की तरक्की करनी पड़ेगी, और देशवासियों की तरक्की का रास्ता ये है कि सिर्फ मुट्ठी भर लोगों का विकास नहीं, पूरे समाज का विकास हमको करना पड़ेगा, सभी समाज का विकास हमको करना पड़ेगा। इसी संकल्प को लेकर के कांग्रेस पार्टी चल रही है, महाविकास अघाड़ी चल रही है। तो मैं आपसे ये निवेदन करने आया हूँ कि आपके पास इतिहास बनाने का मौका है, ऐसा इतिहास कि पूरे देश में इसकी चर्चा हो कि एक तरफ धनबल था, भ्रष्टाचारियों लुटेरों और गद्दारों की ताकत थी, दूसरी तरफ आम जनता थी, आम महिलाएं थे, आम नाम नौजवान थे, बुजुर्ग थे, बच्चे थे, जिनके पास जो है जिनकी ताकत प्रफुल्ल गुर्दे जी के पीछे था कि ये धनबल से नहीं जनबल से जो है उसको चुनाव हराने का काम किया है, और नागपुर के लोगों ने इतिहास बनाने का काम किया है। यह उम्मीद मैं आप लोगों से करता हूं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने एक जमीनी कार्यकर्ता को, जो लोगों का नेता है, जो लोगों के बीच में रहता है, लोगों के सवाल को मुखरता से उठाता है, बुलंदी से उठाता है, और आज आप जानते हैं इस दौर में ईमानदारी के लिए खड़ा रहना आसान बात नहीं है, न्याय के लिए खड़ा रहना आसान बात नहीं है। जो न्याय के लिए खड़े रहते हैं उनको जेल जाना पड़ता है, उनको आरोप झेलना पड़ता है, उनके जो धंधे हैं, जो उनका बिजनेस है उसको नुकसान उठाना पड़ता है, उनके घर वालों को प्रताड़ित किया जाता है। इस दौर में भी अगर अन्याय के खिलाफ कोई न्याय का झंडा उठ करके खड़ा हुआ है तो मैं उम्मीद करता हूं कि नागपुर के लोग उनको अपना समर्थन देंगे, और इस बार नागपुर में परिवर्तन होगा और इतिहास बनेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मुझे पूरा उम्मीद है कि आप दीक्षा भूमि के लोग हैं, आप इतिहास जरूर बनाएंगे। मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। इनकलाब जिंदाबाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। एबीपी माझा, उघडा डोळे, बघा नीट।